हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे वोकैब के 9 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा सेशन 10। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 10 न्यू वर्ड्स ऑफ ए। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एफोरिज्म। एफोरिज्म होता है हमारा एन ओल्ड सेइंग, यानी कि पुरानी कोई कहावत। कहावत इसके और सिनोनियम भी है अडेज, ये वर्ड हमने पढ़ चुका है, और एक मैक्सिम। मैक्सिम तो ये इसके सिनोनियम है, अडेज और मैक्सिम। सो फर्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रीडेटर। प्रीडेटर होता है ऑर्गेनिज्म That hunt and kill other organism for food, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हंट कर कर किल कर कर मार कर खाता हो, यानी कि जैसे शेर है वो हिरन का जो भी उसको मिल जाए उसका शिकार करता है ना, सो प्रीडेटर उसके लिए होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिनेंट। एमिनेंट क्या होता है हमारा, फेमस और रिस्पेक्टेड पर्सन, यानी कि वेल नोन, फेमस और रिस्पेक्टेड पर्सन। कोई भी जो बहुत फेमस हो और रिस्पेक्टेड पर्सन हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी हो गए, वो बहुत फेमस है और रिस्पेक्टेड पर्सन है इन बॉलीवुड में। सो ये वर्ड हो गया एमिनेंट हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सियम। एक्सियम का मतलब भी होता है हमारी कहावत, एक्सियम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोवर्ट। सो इंट्रोवर्ट होता है शाय। शाय पर्सन जैसे कि जो अपने में रहना पसंद करता हो, जिसे घुलना मिलना बिल्कुल पसंद ना हो, जो अपने में रहता हो, सो वो होता है हमारा इंट्रोवर्ट। एक वर्ड होता है हमारा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है जिसको मतलब घुलना मिलना, दूसरों से मिलना जुलना, बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो वो इसका एंटोनिम है, अपोजिट मीनिंग है उसका। सो इंट्रोवर्ट हो गया हमारा, शाय कोई भी पर्सन हो गया, कम बोलने वाला हो गया। सो शाय पर्सन लिख देते हैं, पर्सन, और कम भी बोलते हैं ये, तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा एक्सियम। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स होता है हमारा, एपोकैलिप्स होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का अंत हो जाना, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है, इसमें ऑप्शन है गाइगेंटिक। गाइगेंटिक का मीनिंग होता है हमारा वेरी ह्यूज, बहुत विशाल, वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटाकलिज्म। सो इसका मतलब होता है प्रलय। प्रलय मतलब कोई सैलाब आ जाना, ये भी डिस्ट्रक्शन ही हो गया, जिससे अगर प्रलय आ जाएगी तो नष्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा साइकोटिक। साइकोटिक है हमारा मानसिक तौर पे कोई भी चीज। नेक्स्ट है हमारा वर्ड टीटोटेलर। टीटोटेलर होता है अ पर्सन हु Never drinks alcohol, यानी कि जो शराब ना पीता हो, जिसे शराब पसंद ना हो, वो होता है टीटोटेलर हमारा। सो इस वर्ड का मीनिंग लग जाएगा प्रलय, यानी कैटाकलिज्म, इसका परफेक्ट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपोक्रिपल। एपोक्रिपल का मीनिंग बताना है। एपोक्रिफल, एपोक्रिफल होता है हमारा स्पूरियस, यानी कि जिसमें डाउट हो, यानी कि संदेह भरा। सो फर्स्ट इसका
ऑप्शन है हमारा ल्यूपाइन, ल्यूपाइन होता है हमारा लाइक अ वॉल्फ। वॉल्फ। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पैलेटेबल, पैलेटेबल होता है स्वादिष्ट, यानी कि टेस्टी, कोई भी चीज़ खाने की टेस्टी हो, पैलेटेबल बोलेंगे उसको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैथोलॉजी, पैथोलॉजी स्टडी ऑफ, ये होती है हमारी स्टडी ऑफ डिजीज। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड होता है हमारा इमेजिनरी, यानी कि मनगढ़ंत कोई भी कहानी बना लेना, किसी को बता सुना देना, सो वो होती है मनगढ़ंत, यानी कि गढ़ना, मन गढ़ंत कहानी किस्सा कुछ भी जो अपनी मर्जी से हम बनाकर बताते हैं किसी को, सो वो होता है फैब्रिकेटेड। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा स्पूरियस का, इमेजिनरी। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपोथियोसिस, एपोथियोसिस का मीनिंग बताना है। सो एपोथियोसिस होता है पीक, यानी कि किसी भी चीज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, पीक, जेनिथ। हाईएस्ट पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के, कोई चीज़ ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, उसके उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, वो होता है हमारा एपोथियोसिस। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसका प्लूटोफिलिया, तो प्लूटोफिलिया होता है हमारा लव फॉर मनी, पैसों के लिए प्यार। फीलिया मतलब फीलिया, फोबिया जैसे फियर होता है, फीलिया हमारा लव के लिए यूज़ करा जाता है, किस चीज़ से प्यार है। सो प्लूटोफीलिया हो गया हमारा लव फॉर मनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स हो गया चरम सीमा, यानी कि कोई चीज़ जैसे कि मूवी का क्लाइमेक्स होता है, यानी कि मूवी उस समय पीक पर है, मतलब अब इसमें क्लाइमेक्स आने वाला है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, हाईएस्ट पॉइंट जिसे कहते हैं, जिससे मूवी ज़्यादा उभर कर आती है, अच्छे से अच्छी होती है। तो हमारा इसका मतलब हो गया चरम सीमा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन यानी कि सेम वर्ड, सेम वर्ड विथ अपोजिट मीनिंग, यानी कि एक वर्ड है और उसके दो मीनिंग है, और वो जो दोनों मीनिंग है वो मतलब अपोजिट है, और जैसे डबल मीनिंग नहीं हो जाती, जैसे कोई बात कह देते हैं और उसके एक तो समझेगा सही मीनिंग और दूसरा कोई डबल मीनिंग समझ ले, कुछ और समझ ले उसका मतलब, सो ये वो वर्ड है ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैकोग्राफी, तो कैकोग्राफी होता है हमारा बैड हैंड राइटिंग और स्पेलिंग, सो इसका परफेक्ट हमारा जो सिनोनिम है मीनिंग लग जाएगा पीक जेनिथ, यानी चरम सीमा, क्लाइमेक्स। सो नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अपीज, सो अपीज होता है मेरा पेसिफाई, टू काम यानी शांत करना, जैसे कोई हमसे गुस्सा है तो उसको मनाना, शांत करना, और कोई उपहार देके मना लेना। सो इसका करेक्ट मतलब मीनिंग यही होगा कि कोई गुस्सा है उसको शांत करना, उसके गुस्से को कुछ उसको दे ले देकर बात मना लेना, समझा लेना। तो जैसे देख लिए इस मतलब इस पिक्चर में दिख रहा है कि आई थिंक ये लड़की इससे गुस्सा है, तो ये इसको बुके देकर मना रहा है, शांत कर रहा है गुस्सा इसका। सो वही मीनिंग हो गया इसका अपीज का, शांत करना, गुस्सा शांत करना। सो फर्स्ट ऑप्शन है इसका प्लैटिट्यूड, तो प्लैटिट्यूड होता है हमारा कोई घिसी पिटी बात, कोई घिसी पिटी बात, यानी कि
बहुत बार हो चुकी है वो, मतलब हर बार वही बोलता है कोई, तो कोई घिसी पिटी बात। इम्प्रॉम्प्टू, इसका मतलब होता है विदाउट प्रेपरेशन, विदाउट प्रेपरेशन, जैसे कोई बिना प्रेपरेशन के कोई डांस परफॉर्म कर दिया, कोई स्पीच दे दी, एकदम एट द मोमेंट ही हमने कुछ परफॉर्म कर दिया विदाउट प्रिपरेशन, सो वो होता है हमारा इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्बाइज, वर्बाइज होता है हमारा फुल ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों से भरा हुआ, ठीक है। और ये नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेकेट, प्लेकेट होता है हमारा शांत करना, शांत करना। सूथ, सूथ, सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा शांत करना, प्लेकेट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अप्रिशिएट्स, अप्रिशिएट तो वर्ड सबने सुना ही होगा, कॉमन है ये वर्ड। सो अप्रिशिएट होता है हमारा किसी की प्रशंसा करना, किसी को सराहना कोई अच्छे काम के लिए, अप्रिशिएट करना, बढ़ावा देना, इसका मतलब हो जाएगा हमारा प्रशंसा, प्रशंसा करना, किसी को सराहना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। सो फर्स्ट वर्ड देखते हैं, फर्स्ट वर्ड होगा हमारा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यानी किसी को सम्मान, आदर देना, सम्मान करना किसी का, सम्मान, किसी का सम्मान करना या आदर देना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेरोंटोक्रेसी, तो ये होता है हमारा गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल, यानी कि बूढ़ो व्यक्ति द्वारा चलाई गई सरकार, तो हमारा जेरोंटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया होता है हमारा फियर ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी से डर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन होता है हमारा ह्यूज फायर यानी भीषण आग, सॉरी फायर, ह्यूज फायर, भीषण आग, सो ऐसे गलती हो जाती है कभी कभी। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा, प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो ये वही हो जाएगा इसका परफेक्ट मीनिंग, रिस्पेक्ट देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव होता है यानी कि फियरफुल, भयभीत, यानी कि ये सोचना कि कुछ होने वाला, जैसे किसी को लगता है ना कि कभी कभी कि यार ये मुझे लगता है कि ये होने वाला है, हाँ, सो ये वही वर्ड है एप्रीहेंसिव, तो पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ तो होने वाला है आज। सो फर्स्ट ऑप्शन है इसका थ्वार्ट, थ्वार्ट क्या होता है हमारा, टू अपोज सक्सेसफुली, यानी किसी चीज को रोकना, बाधा डालना सक्सेसफुली, रोकना किसी चीज को, अपोज करना यानी कि विफल, किसी काम को विफल देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वरीड, वरीड क्या होता है हमारा, चिंतित, परेशान होना, चिंता होना किसी चीज की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फास्टिडियस, फास्टिडियस होता है बहुत नखरे वाला, जैसे छोटे बच्चे होते हैं बहुत नखरे दिखाते हैं कहीं आने जाने में, कुछ भी करने में, सो ये वर्ड उनके लिए बिल्कुल सूट करेगा उनको, फास्टिडियस, नखरेबाज, नखरेबाज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलिसिट, इलिसिट होता है फॉरबिडन बाय लॉ, तो यानी कानून द्वारा प्रतिबंधित, यानी कि जैसे कानून ने मना कर दिया कि ये चीज नहीं करनी है, मतलब वो इलीगल है, गलत है, तो फॉरबिडन बाय लॉ, सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा वरिड, ठीक है, तो चिंतित है ना, मतलब कुछ होने वाला है हमारा, सो इस वजह से वरिड इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्बिटर? आर्बिटर कौन होता है हमारा? वन हु डिसाइड्स, वन हु डिसाइड्स, यानी किसी दो लोगों के बीच में कभी डिस्प्यूट्स हो, मतलब लड़ाई झगड़ा हो, तो जो डिसाइड करने वाला होता है तो वो होता है हमारा आर्बिटर। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर होता है हमारा ये वही है, विदाउट प्रेपरेशन। इम्प्रॉम्प्टू तो पढ़ा था ना, वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। विदाउट प्रिपरेशन यानी कि बिना किसी तैयारी के कोई स्पीच देना, कुछ काम करना, वही हो गया हमारा एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रोमोफोबिया। फोबिया क्या होता है? फियर होता है किसी चीज़ का। सो हमारा क्रोमोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ कलर्स, रंगों से भय, डर होना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्लैगियरिज्म। प्लैगियरिज्म क्या होगा हमारा? साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी यानी कि किसी की कोई लेख को चुरा लेना और उसे अपना नाम बताकर पेश कर देना, वो होता है हमारा साहित्यिक चोरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जज। जज कौन होता है? न्यायाधीश, न्यायाधीश यानी कि जो डिसाइड करता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये डिसाइड करने वाला है, यहाँ पे ये बैठे हैं यहाँ पे, और इन जिनके बीच में लड़ाई हो रही है वो सॉल्व कर रहे हैं। सो ये हमारा हो गया जज। तो इसका करेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा जज, वन हु डिसाइड्स। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्बिट्रेरी? आर्बिट्रेरी का मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। सो आर्बिट्रेरी होता है हमारा मनमानी करने वाला, मनमानी, मनमानी करना। ठीक है, अपनी मन की चलाना, मनमानी करना वो होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रीसरेक्ट। रीसरेक्ट होता है पुनर्जीवित होना, यानी कि दूसरा जन्म है, जैसे सीरियल्स में आ जाता है ना, दूसरा जन्म लेके। सो ये वही है, पुनर्जीवित होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स होता है एनिमल्स हु हु फीड्स ऑन प्लांट्स, यानी कि जो एनिमल्स क्या खाते हो, ग्रास प्लांट्स मतलब वो खाते हो, घास फूस खाते हो, जैसे हमारे काऊ हो गई, डियर हो गया, वो। सो क्या बोलेंगे इनको? शाकाहारी जीव। ठीक है, कॉन्ट्राइट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट होता है पछतावा, ऐसे हमने कुछ गलत कर दिया हो और उस चीज़ का हमें पछतावा हो। ठीक है, और एक वर्ड है और इसका मुझे याद रखना, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, रिमोर्स। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब भी होता है पछतावा, कुछ गलत करने के बाद जो हमें फील आते हैं कि हाँ, पछतावे की एक भावना मन में जो जागृत होती है, वो होता है हमारा कॉन्ट्राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्रिशियस। कैप्रिशियस होता है मन मौजी, अपने मन की चलाने वाला, मन मौजी यानी कि अपने मन की करने वाला, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे अपने मन की करनी होती है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा कैप्रिशियस। ओके, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्किक? आर्किक का सिनोनिम बताना है। सो आर्किक होता है हमारा वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन, यानी बहुत पुराना, ओल्ड फैशन का हो ना, फैशन जैसे कि घर में कुछ चीज़ें होती हैं, मम्मी फेंकने नहीं देती हैं और उसको रख के रखती हैं क्योंकि वो पुरानी होती है, उनको उनसे बहुत लगाव होता है। सो वो पुरानी चीज़ें या पुरानी कोई भी ओल्ड फैशन चीज़, तो वो हो गया हमारा आर्किक, और हिंदी में पौराणिक। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आपको पता ही है, मांसाहारी, जो मांस खाते हों। एनिमल्स, एनिमल दैट फीड्स ऑन
अदर एनिमल्स, यानी कि जो दूसरे जानवरों को खाते हों, वो गए हमारे कार्निवोर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट होता है हमारा आउटडेटेड, पुराना, अप्रचलित, जो अब नहीं चल रहा हो, ऑब्सोलीट हो चुका, आउटडेटेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोटोरियस। नोटोरियस होता है इल फेमस, यानी कि कोई किसी फेमस तो है लेकिन किसी गलत चीज़ के लिए फेमस है, गलत काम के लिए फेमस है। तो ये हो गया हमारा इल फेमस। नोटोरियस यानी गलत काम के लिए फेमस होना, फेमस तो है लेकिन गलत काम में। लास्ट वर्ड है हमारा मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप होता है हमारा हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानवता को से घृणा करने वाला, नफरत करने वाला। तो वो हो गया हमारा मिस एंथ्रोप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है ये। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा ओल्ड फैशन, वेरी ओल्ड, यानी कि आउटडेटेड, ऑब्सोलीट। इसका परफेक्ट मीनिंग है हमारा ऑब्सोलीट। तो यहाँ आज हमारे 10 वर्ड्स ख़त्म होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।